सभी को नमस्ते। तो अभ्यास दो के स्टेप सिक्स तक पूरा करने के बाद हम लोगों ने लेक्चर 12 को चर्चा करना शुरू किया था, और लेक्चर 12 में भी बेसिकली हम अभ्यास दो को एक बार रिकैप कर रहे हैं, उसको संक्षेप में एक दृष्टि में देखने का अभ्यास कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं और शरीर के बीच अंतर को देखते हुए पूरकता पे हम लोगों ने चर्चा की थी। तो मैं में संयम का भाव होता है तो शरीर में स्वास्थ्य होता है। संयम का भाव का मतलब कि मैं शरीर के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूँ। किस बात के लिए? शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए। और मुझे दिखता है कि पोषण के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है, सामयिक है। संरक्षण के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है वो भी सीमित है, सामयिक है। और सदुपयोग के लिए भी जो आवश्यकता है वो भी सीमित है, सामयिक है। और जब मैं शरीर के लिए आवश्यक सुविधा की व्यवस्था कर पाता हूँ और शरीर के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर पाता हूँ तो सहज रूप से शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। और उसका मतलब इतना ही है कि शरीर मेरे अनुसार एक साधन के रूप में कार्य करता है, और इसी क्रम में शरीर के अंग प्रत्यंगों में व्यवस्था होती है, लय होता है, संगीत होता है। तो इसको हम लोगों ने कल ऑब्जर्व किया था, इसके बारे में कुछ असाइनमेंट भी लिया था, इसको अपने आप में ध्यान से देखना था। तो कल के ऑब्जर्वेशन से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो तो रख सकते हैं। एक बात और भी अभी पूछ लेते हैं कि जब से हम लोग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जी कर देख रहे हैं, तो क्या आपको अपने स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन दिखाई दिया है कि नहीं? स्वास्थ्य पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो भी सामान्य रूप से समस्याएं आज के दिन समाज में दिखाई दे रही है स्वास्थ्य को लेकर, उसमें स्वास्थ्य आपका बेहतर हुआ है कि नहीं? जी अभी देखें तो आमतौर पे समाज में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना डरे हुए हैं, और उसके कारण मतलब एक जो पूरा जीने का उपक्रम बन गया है उससे ढेर सारी सुविधा चाहिए, उसके स्थान पर हमको एक विकल्प दिखाई देता है कि शरीर के साथ संयम पूर्वक जिएंगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। तो शरीर में कोई व्याधि होती है, रोग होता है, अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जिस प्रकार के खर्चे हैं हॉस्पिटल में और जिस प्रकार का ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट से कभी ये पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाता कि स्वस्थ हो पाएंगे पूर्णतया। और जिस तरह का ट्रीटमेंट है उसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है कि लोगों को लगता है कि हमें एक आय का एक बड़ा हिस्सा बचा के रखना है, कभी कुछ दुर्घटना हो जाए या कभी बुढ़ापे में स्वास्थ्य की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाए तो अपने इलाज के लिए। बट आप पाएंगे कि मेनली उस मुद्दा संयम के भाव का है। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर हम समाज में देखें तो एक समय के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, काम धंधे से भी बाहर आ जाते हैं। अब उनके पास अगर देखें तो क्या कार्यक्रम रह जाता है? एक तो स्वयं में ज्ञान के लिए काम करना, शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, संबंधों का ध्यान रखना, और फिर फैलकर समाज और व्यवस्था में भागीदारी करना। इतना ही तो है, सुविधा के उत्पादन वाला काम तो अब है नहीं। तो उसमें एक तो बहुत सारा समय हमारे पास ज्ञान के लिए बचा हुआ है, दूसरा शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हमारे पास काफी सारा अवसर रहता है। तो शरीर को स्वस्थ रख ले तो भी बहुत सारे भय से, शंका से बचे हुए रहते हैं, घबराहट से बचे हुए रहते हैं। अब बचे हुए समय काफी सदुपयोग करें ज्ञान के अर्थ में, सामाजिकता के अर्थ में, तो जीना बिल्कुल सरल दिखाई देता है। नहीं तो अभी लोग जीने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम समझ के साथ चले तो जीना बिल्कुल सिंपल दिखाई देता है। इनफैक्ट ये भी दिखाया था कि जीना मुख्य मुद्दा नहीं है, ज्ञान मुख्य मुद्दा है, निरंतर सुखपूर्वक जीना मुद्दा है। तो इतने के साथ जीना तो ठीक ठीक हो ही जाता है, शरीर का ठीक ठीक रखाव हो जाता है। शरीर के पोषण के लिए अभी हम जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं सुविधाओं का, उसमें बहुत सारा परिमार्जन का स्कोप दिखाई देता है। ज्यादातर बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि पोषण हम ठीक से नहीं ले रहे, जो चीजें मुंह में डाल रहे हैं वो स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है। तो उस पर भी काफी सारा काम किया जा सकता है। जो हम लोग अभी फ्राइडे को हेल्थ के सेशंस रन करते हैं शाम को 7:30 बजे, उसको अगर आप अटेंड करें उसमें हेल्थ के लिए बहुत सारे टिप्स मिलते हैं और ऐसे भी बहुत सारी जानकारी अपने पास उपलब्ध हो पाती है। परंतु होता यह है कि जब संयम का भाव हमारे अंदर नहीं होता है तो सारी जानकारियां धरी की धरी रह जाती हैं। हम जो भोजन लेते हैं वो स्वाद के अर्थ में लेने लगते हैं या दूसरों से अनुकूल भाव पाने के अर्थ में लेने लगते हैं, और
स्वास्थ्य के लिए योजना कार्यक्रम ठीक से नहीं बन पाता, तो शरीर में कोई उपलब्धि नहीं दिखाई देती जी। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें जी। पोषण के अर्थ में डिटेल में तो कोई हेल्थ सेशन होगा, उसमें आप ज्यादा विस्तार से सुन पाएंगी, समझ पाएंगी। और जो फ्राइडे का जो शाम का सेशन होता है 7:30 बजे से हेल्थ का, अगर आप उसको अटेंड करती हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और उसमें आप इस तरह के सारे प्रश्नों को पूछ सकती हैं। रश्मि जी, यहाँ तो संक्षेप में संयम के भाव पे ही बात कर रहे हैं। अपने को दिखता है कि शरीर के पोषण के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है और उसको ठीक से पूरा किया सकता है। इनफैक्ट उसको भी यदि हम श्रम करें है ना, तो बहुत सारी चीजों को हम घर में उगा सकते हैं, जो तैयार कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते, नमस्ते। आज मेरी आवाज और आपकी आवाज रेजोनेंस में आ गई। अच्छा अच्छा जी भैया, सबको नमस्ते। और ये बिल्कुल ठीक है, सेवानिवृत्त होने के बाद जैसे जैसे भैया बोलते जा रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे मेरे मैं ही शेयर कर रहा हूँ। तो आज जब मैं पहले नौकरी करता था, अलग अलग पदों पर काम करता था, और 1969 में मैंने इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया, वेस्ट बंगाल में काम करता था, और वहां का वेस्ट बंगाल का जो वर्कर है वो तुरंत रिएक्ट करता है, घेर लेता था। अच्छा, उनके साथ अलग अलग समय काम किया और 34 वर्ष तक काम करने के बाद में मैं शिक्षा के साथ जुड़ा और शिक्षा संस्कार के साथ बच्चों के साथ पढ़ा 10 वर्ष तक। और अब मैं जीवन के अमृत महोत्सव काल में गुजर रहा हूँ और हर दिन को सेलिब्रेट करता हूँ। तो पहले मैं नौकर था, किसी भी पद पर था, चीफ इंजीनियर, चीफ मैनेजर, वर्धमान मिल में रहा और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट से मैंने काम चालू किया। लेकिन जब मैं बच्चों के साथ पढ़ने आया तो मेरे को ऐसा लगा, एक अभिलाषा ये आई कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, जिसको मैं बार बार बोलता भी हूँ। दूसरी बात यह है कि अपने को स्वस्थ रखना फिजिकली और मेंटली, ये बहुत आवश्यक है, और उसके ऊपर काम करना बाद में भी शुरू किया। और अब मेरे पास पहले की अपेक्षा समय कम है, अब मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, पैसे के लिए काम करना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे को लोग ऑफर करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि यंगर को आप एम्प्लॉय करिए और मेरे को जब जरूरत है तो मैं आकर के एज इट इज नो लॉस नो प्रॉफिट पे आऊंगा, नहीं तो मैं अपना पेट्रोल खर्च करके भी आऊंगा। तो इस तरह की भावना, लेकिन अपने पास जो प्रॉस्पेरिटी है या सुविधाओं का कलेक्शन है, अभी हमने एक लाइन खींच दी संतोष की। और भैया मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। मैं सुबह उठ करके पेड़ पौधों में पानी लगाना है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। 2009 से मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और माननीय गणेश भैया के संस्थान पर भी कुछ दिन रहने का अवसर मिला मेरे को, 10 दिन शिविर में। और बार बार जब 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 मैंने अपने को मौका इस बात का दिया कि वैल्यूएशन के लिए जब भी कानपुर में आए तो मैं वहां जाऊं और उसमें से समय निकाल करके संस्थान तक जाऊं, और कई बार मैं पैदल भी चलता था तो बहुत आनंद आता था। और वहां से मैंने बहुत सारी चीजें पिकअप की और आज मैंने मेरे घर के सामने, मेरे पास जगह नहीं है, उसको एनक्लोज भी नहीं किया है, लेकिन अर्जुन का पेड़ पिछले 15 साल से लगा हुआ है, उसको बहुत लोग लेके जाते हैं। कोरोना काल में गिलोय इस सबको हमने, और कुछ पौधे लगा रखे हैं। और इसको अगर चाहेंगे भैया, कुमार भैया, मैं आपके पास फोटोज भेजूंगा। और मेरे को खुद को एक तृप्ति जैसा फील होता है, और दूसरी बात है अपने को फिजिकली तो उतना फिट नहीं रख पा रहे, क्योंकि 75 वर्ष प्लस हो गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है इस मशीन में। लेकिन प्रिवेंटिव के लिए डॉक्टर के पास जाना, और आपने ठीक ही कहा, शुक्रवार को हम जुड़ते हैं और उसमें सुबह वाले टाइम में भी सुनने को मिलता है, तो ठीक टाइम पर उठना, नियमितता बनाना, ठीक भोजन को करना, सजग रहना। और भैया ने बीच बीच में मेरे को कहा और बारीक देखिए, और बारीक देखिए, तो मेरे को लगता है कि नहीं और देखने का है। तो मेरा नाम बाय डिफॉल्ट विनोद है, तो जीवन को एंजॉय भी कर रहे हैं और चाहते भी यही है कि हम लोग सब सुखपूर्वक जीवन को कंक्लूड भी वैसे ही करें, क्योंकि हम लोग रोक लेते हैं। जी जी, इसको रोक लेते हैं, कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए जी भैया। तो इसी के साथ मैं अपने को रोकता हूँ। विराम भैया धन्यवाद मेरे को समझ देने के लिए, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते भैया, इस उम्र में भी भागीदारी करने को तत्पर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम अपने आप में ऑब्जर्व करें तो ये अपने को दिखता है कि स्वयं के ज्ञान से शरीर के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है वो और बढ़ जाता है।
क्योंकि जहां हम शरीर की संवेदना से सुख लेने में लगे हुए थे उसके लिए शरीर का ही दोहन शोषण कर रहे थे, है ना, अब उससे निकल पाते हैं, शरीर को एक साधन के रूप में देख पाते हैं। तो जो भोजन का चुनाव करते हैं वो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में होता है ना। ये हर बार हम देख सकते हैं कि जो मुंह में डाला उससे पोषण मिला कि नहीं, शरीर को उपलब्धि क्या हुई। इनफैक्ट ये भी आपको दिखाई देगा कि हमारा स्वास्थ्य इस बात से नहीं बनता कि हम क्या और कितना खा रहे हैं, इस बात से बनता कि हम पचा कितना रहे, है ना, वो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं। वैसे ही कपड़े और मकान के अर्थ में कुछ उदाहरण हम कल भी लिए थे, तो कपड़ा भी जो हम पहन रहे हैं वो हम देख पाते हैं कि ये कपड़ा हम सम्मान पाने के लिए पहन रहे हैं या फिर हम शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में पहन रहे हैं। और उसको भी आप अगर ठीक से देखें, है ना, अगर कहीं हम लोग रोज बाहर भागीदारी करने जा रहे हैं तब तो कपड़ों की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा हो सकती है, अगर घर में रह रहे हैं तो कपड़ों की आवश्यकता और सीमित है कि नहीं, मकान की आवश्यकता भी वैसे ही है। इन सब चीजों को हम तय कर सकते हैं, देख सकते हैं। शरीर के साथ संयम का भाव को अगर हम देखें तो आहार का भी ध्यान रखते हैं, विहार का भी ध्यान रखते हैं, श्रम का भी ध्यान रखते हैं, हम शरीर से कितना श्रम कर रहे हैं। आजकल ये बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो काउंट करते रहते हैं कि आपके स्टेप्स कितने चले आपने दिन भर में, तो आप कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और देख लीजिए कितना चल रहे हैं, 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो इस तरह के बहुत सारे और साधन भी हो गए, उससे आप अपने शरीर का और बेहतर ध्यान रख सकते हैं। तो इन सब चीजों पर हम ध्यान देना शुरू करें, है ना। वैसे साधनों की बात करें तो सीमित आवश्यकता है उनकी, अगर हम समाज में फैल कर जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं तो साधनों की आवश्यकता थोड़ी बढ़ भी सकती है, अदरवाइज बहुत सीमित साधनों की आवश्यकता है कि नहीं। अगर हमको लगता है कि हमें 10,000 स्टेप्स रोज चलने हैं तब तो आपको वाहन प्रयोग करने का अवसर भी कम ही मिलेगा। ये सब अगर हम पूरा करते हैं तो शरीर अपने आप स्वस्थ बना रहता है, हम एक अस्वस्थ शरीर को भी स्वस्थ बना लेते हैं। और यदि इन पे ध्यान नहीं देते, अगर हमें शरीर साधन के रूप में नहीं दिखाई देता तो एक स्वस्थ शरीर को भी हम अस्वस्थ बना लेते हैं। और स्वास्थ्य वाले मुद्दे पे यदि हम रिजॉल्व हो जाएं तो हमको लगता है कि हमारे पास काफी समय है ज्ञान के लिए, है ना। अभी स्वास्थ्य के मुद्दे पे उलझ कर हमको लगता है कि अभी तो ज्यादातर समय शरीर को ठीक रखने में चला जाएगा एक उम्र के बाद, तो ज्ञान के लिए समय ही नहीं है, समझने के लिए समय ही नहीं है। और उससे पहले देखिए तो शरीर के स्वास्थ्य को लेकर या फिर जो भी हमने सुख माना उसको लेकर सुविधाओं के उत्पादन में इतना हम समय लगा दे रहे हैं, यूं कहें कि पैसा कमाने में इतना समय लगा दे रहे हैं, फिर हमारे पास ज्ञान के लिए समय नहीं है। तो जितना जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे हमको दिखता है कि स्वयं में परिमार्जन के लिए काफी अवसर है, काफी समय अपने पास उपलब्ध है। तुमको दिखाई देता है कि जो सुविधा की आवश्यकता है वो शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए है, और ताकि हम शरीर का ठीक से सदुपयोग कर पाए। और शरीर के लिए जो भी हम सुविधा जुटा रहे उसके यही तीन प्रयोजन है। इसको भी मुझे लगता है हमने पहले भी इसको असाइनमेंट के रूप में लिया था, बट इसको और हम ठीक से ऑब्जर्व करें कि अभी जो हम सुविधा जुटा रहे हैं क्या इन्हीं तीन ही पर्पजेस से है या कोई और भी पर्पज हो सकता है। अगर कोई और भी पर्पज हो सकता है और हमको लगता है कि हमें अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको टेकअप कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। तो कोई और भी पर्पज लगता है क्या कि सुविधा का कोई और भी पर्पज हो सकता है, शरीर का पोषण संरक्षण सदुपयोग। एक मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब तक हमारे अंदर सही समझ सही भाव पूर्णतया इंश्योर नहीं होता है तो हमारे पास एक और तरह की सुविधा की आवश्यकता बन जाती है, और वो होती है दुख से निकलने के लिए या अपने आप में आराम नहीं है तो आराम पाने के लिए। और फिर हमारे लिए लगता है कि सुविधाओं की सूची थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अभी उसकी आवश्यकता आपको लग सकती है, उसको भी नोट करके रख लें, बट उसको भी देखेंगे तो सीमित है, है ना। और फिर उसके विकल्प पे भी काम करने की जरूरत है कि जो स्वयं में बोरियत होती है, स्वयं में तनाव परेशानी होती है, उससे निकलने के लिए कई बार हमको सुविधाओं की आवश्यकता लगती है, तो उसको भी नोट करके रख लें। वो देखें तो तीनों ही के क्रम में नहीं है ना, तो शरीर के पोषण के अर्थ में है, ना संरक्षण के अर्थ में है, ना सदुपयोग के अर्थ में, परंतु तात्कालिक रूप से सामयिक रूप से उसकी आवश्यकता लग रही है, उसको भी नोट करके रख ले। तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई ऐसी सुविधा आपको लगती है क्या जो आपको लगता है कि मेरी आवश्यकता है परंतु इन तीनों ही मदों में नहीं आती, कोई ऐसी आवश्यकता हो सकती है क्या। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बढ़िया, अगर हम सबको स्पष्ट है बहुत अच्छी बात है। हम इतने बारीकी से सुविधा की आवश्यकता का आकलन कर सकते हैं
और आप पाएंगे जिस क्षण मुझे सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट होती है और मुझे अपने श्रम के प्रति आश्वस्ति होती है, हम समृद्धि के भाव से भरने लगते हैं। जी, तीन मद है, शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण और शरीर का सदुपयोग। बढ़िया। देखिए, जिस समृद्धि को पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, है ना, पूरी दुनिया से लड़कर पैसा कमाते हैं, वो समृद्धि हम बैठे बैठे हासिल कर लेते हैं। वैसे देखिए तो कितनी मजेदार बात कि बस सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो गई और हम समृद्ध हो गए। नहीं तो अभी हम बिलियनियर ट्रिलियनियर बनकर भी समृद्ध नहीं हो पाते हैं, है ना। पूरी जिंदगी लगाते हैं, सबसे संघर्ष करते हैं, सारे संबंधों में दुख भोगते हैं, बहुत सारा अपने अंदर भय पालते हैं, क्योंकि दूसरे का शोषण करना है, दूसरे पर शासन करना है, उसके लिए हमको इतना सारा अपने अंदर तनाव झेलना पड़ता है, भय में जीते हैं, संघर्ष में जीते हैं, और तब भी समृद्ध नहीं हो पाते। और छोटी सी बात पे ध्यान देते हैं और समृद्ध हो जाते हैं कि नहीं, तो अपने आप में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जी, तो इस बात को समझने से दो उसका आउटकम दिखाई देता है। एक तो शरीर में स्वास्थ्य जो मुझे अब सहज रूप से सुनिश्चित होता हुआ दिखाई देता है, और दूसरा समृद्धि का भाव जो मुझे वो भी सहज रूप से सुनिश्चित होता हुआ दिखाई देता है। तो जिस स्वास्थ्य के लिए हमको डर लग रहा था कि कितना पैसा लगेगा ताकि हम स्वस्थ रह पाए, लंबी जिंदगी जी पाए, अब दिखता है कि अगर हम संयम के भाव के साथ चलें और आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध कर दें तो स्वस्थ तो रहेंगे ही। शरीर की बनावट ही ऐसी है कि शरीर अपने आप स्वस्थ रहने की ओर क्रियाशील रहता है। अगर देखें तो शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है, जो अंग है इस रूप में मिलके काम कर रहे हैं, कि शरीर में सहज रूप से स्वास्थ्य बना रहता है, हम उसको बिगाड़ देते हैं। और वैसे ही शरीर प्रकृति में देखें तो इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हम चूंकि आवश्यकता को नहीं पहचानते हैं तो इनका सदुपयोग नहीं कर पाते, इसलिए समृद्ध नहीं हो पाते। तो ये दोनों ही स्वास्थ्य और समृद्धि इतने सहज रूप से सुनिश्चित हो सकता है कि नहीं, क्या लगता है आप इस बात को देख पा रहे हैं? जी, परिवार की सुविधा के लिए अजय भैया कहना, ठीक बात है। तो हमको ये तो अपने बारे में दिख जाता है कि मेरे लिए सुविधा की आवश्यकता सीमित है, बट परिवार की लगता है कि सुविधा की और आवश्यकता है, वो ठीक बात है। बट परिवार में भी कुछ चीजों का आकलन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ अगर ध्यान दिलाने के हिसाब से देखें तो जैसे ये हो सकता है कि परिवार में और भी सदस्य हैं जो सुविधा कमाने में या सुविधा उत्पादन करने में सक्षम है, तो उनको भी हम तैयार करेंगे ताकि वो अपने लिए आवश्यक सुविधा उपार्जित कर पाए। ठीक, बच्चों के प्रति भी देखें तो हमारी जिम्मेदारी इस सीमा तक है कि बच्चों को हमने इतना योग्य बना दिया, समझदार बना दिया, उनको जिम्मेदार बना दिया, स्वावलंबी बना दिया, तो बच्चों को भी हमने स्वावलंबी बनाने तक की योजना बना के रखी। अभी वो सब योजनाएं स्पष्ट नहीं होती है, तो बच्चों के लिए भी हमको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, अगर उसको देखें तो हम उसको तय कर सकते हैं कि बच्चों के स्वावलंबन तक, तो इतना एजुकेशन ले लिया बच्चे ने कि स्वावलंबी हो सकता है, उसके बाद फिर बच्चा खुद ही अपनी आवश्यकता पूरी कर लेगा। अगर परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों ही सुविधा उपार्जन में सक्षम है तो और आसान हो जाएगा सुविधा को उपार्जित करना। अगर एक व्यक्ति नहीं भी सक्षम है तो घर की जो देखभाल कर रहे हैं उससे भी हमको सुविधा उपार्जन में सहयोग मिल रहा है, और बहुत सारे काम हम घर में बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर उपार्जन कर रहा है तो कई लोग शरीर में सुविधाओं का संरक्षण कर रहे हैं घर में बैठे हुए, सभी मिलकर सदुपयोग कर रहे हैं। इस विधि से देखेंगे तो सुविधा की आवश्यकता को आकलन करना आसान हो जाता है। एक बात जो कई बार लोगों के शेयरिंग से निकल कर आती है और जिसमें कई बार हम उलझ जाते हैं, वो ये है कि परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे, तो हम संबंधों का जब ध्यान देते हैं और हम संबंधों में तृप्तिपूर्वक जीने जाते हैं तो हमको लगता है उनकी इच्छाओं को पूरा करना होगा और उसके लिए हमको और अधिक सुविधा कमाना होगा, और अधिक पैसा कमाना होगा। बट एक बात हमको अपने आप में स्पष्ट हो सकती है कि मेरी जिम्मेदारी अगले व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने की है, जो इन तीन मदों में है, पोषण, संरक्षण, सदुपयोग। इच्छाओं को पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इनफैक्ट इच्छाओं को डेफिनिट करने की, ताकि इच्छाएं डेफिनिट हो जाए, निश्चित हो जाए, सही समझ सही भाव पर आधारित है, ये जिम्मेदारी मेरी है, न कि हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम उसमें फंस गए तो फिर हमको लगता है कि बात तो सब ठीक है, परंतु जो परिवार को साथ लेकर चल रहा हूँ, अब मुझे तो यहाँ संबंधों का निर्वाह करना है, हर व्यक्ति के साथ उभय सुखपूर्वक जीना है,
तो इनकी इच्छाओं को तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो लौट कर फिर हम उसी कुचक्र में चले जाते हैं। ये दो तीन बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो मेरी जिम्मेदारी परिवार में दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की नहीं है, सही समझ सही भाव इंश्योर करने की है, और उनकी सुविधा की आवश्यकताओं को पूरा करने की है, वो भी एक समय सीमा तक, उसके बाद में है ना। एक बात तो ये, खासतौर पर बच्चों की अगर बात करें। दूसरी बात कि हमें इस पूरी बात की समझ के साथ ये दिखता है कि परिवार का जो नोशन है अभी हमारा हो सकता है बहुत छोटा है, हम बस माँ बाप पति पत्नी बच्चे इतने भर में परिवार को देखा है, बट ये जो बाहर का समाज है ये भी मेरे परिवार का हिस्सा है ना, ये जो अखंड समाज है ये भी मेरा परिवार है, तो परिवार का नोशन भी फैलता है। तो इन सब बातों को हम ठीक से देख पाए, अपने स्तर पर हम इन तीन प्रयोजनों को देख पाते हैं सुविधा का, परिवार के स्तर पर भी इन प्रयोजनों को देख पाते हैं और इच्छा और आवश्यकता में भेद कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है, कई बार हम इच्छा और आवश्यकता में परिवार के सदस्यों के लिए अंतर नहीं कर पाते है ना, उससे हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। और तीसरा, परिवार की सीमा को हम फैल कर देख पाते हैं, वही चार छह लोगों में हम परिवार को नहीं देखते ना। कई बार कई घरों में सुविधा और पैसों की वजह से इतना इशू हो जाता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। तो अभी तो चल ही रहा है वो सब। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते भैया जी। आपने जैसे बताया कि अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी को हम थोड़ा उसको रिसेट करना चाहिए और कर सकते हैं, तभी हम बाकी चीजें की प्रायोरिटी को भी सेट कर पाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आया, क्या मैं ठीक समझ रही हूँ? जी जी बिल्कुल। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है ये तय होना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल वही समझना चाह रही हूँ भैया जी, थोड़ा डिटेल में। जैसे ये यूजुअली मेरे साथ होता है, मैं देखती हूँ कि मेरे साथ क्या, मेरी मम्मी को भी मैंने बचपन से देखा है, तो हम लेडीज के साथ स्पेशली ये होता है कि हम अपने आप को तो देखते ही नहीं है, मतलब हम क्या खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं, पूरा दिन हम सुबह से रात तक सिर्फ घर घर खेलने में जिंदगी निकाल देते हैं, और किसी को ये एहसास भी नहीं होता है कि हम कुछ कर भी रहे हैं। तो ये है, एक पीड़ा भी मन में रहती है कि हम होम मेकर होके जीरो होते हैं, मतलब लोगों के लिए, हम बच्चों के लिए हो या हस्बैंड के लिए हो या किसी के लिए भी, पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए हम अपनी जिंदगी लगा देते हैं, और लास्ट में एंड ऑफ द डे हम खाली हो जाते हैं कि हमने जिंदगी में किया क्या, क्योंकि कहीं पे उस चीज की वैल्यू दिखाई ही नहीं देती है, किसी के मन में दिखता ही नहीं है, रिश्तों में ये भाव रूप में दिखता ही नहीं है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ किया है। तो ये पीड़ा जैसे मैं मेरे में भी देख पाती हूँ, मैं मेरी मदर में भी देख पाती हूँ, और ऐसे लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड मुझे आसपास दिखती है, तो मैं इसी से अपने आप को निकालना चाह रही हूँ। बहुत टाइम से मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ सेल्फ पे, पर आज आपने बताया तो इसको थोड़ा समझना चाह रही हूँ भैया। जी बढ़िया बात है दीदी जो आपने शेयरिंग की है ना, इससे कई परिवारों में ऐसी पीड़ा है। देखिए अपने को ये दिखाई दे कि जो शरीर यात्रा का प्रयोजन है वो तो ज्ञान और समाधान है, तो वो तो हम घर में रहते हुए भी कर सकते हैं, बाहर निकल रहे हैं परिवार से तो भी कर सकते हैं। तो जो हमारी लाइफ की अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, वो तो स्वयं में ज्ञान और समाधान होना है, उसके लिए तो हम सतत क्रियाशील रह सकते हैं। जैसे अभी आप जुड़ी हैं, वर्कशॉप कर रही हैं, इस कार्यक्रम को आप बनाए रखें, इसके साथ फिर भागीदारी करना बनता है समाज की व्यवस्था में, वो भी आप घर पे बैठे हुए कर सकती हैं। तो ये जो अपने आप में पीड़ा है कि हमने लाइफ में क्या अचीव किया, क्या पाया है ना, क्या उपलब्धि हुई, उससे तो हम निकल सकते हैं। ये दोनों छोर पे काम करते हैं, जिसपे हम लोग और आगे बात करेंगे, पहले भी बात किए थे कि एक तो स्वयं में अनुभव के लिए काम करते हुए, दूसरा परस्परता में फैल कर सार्वभौम व्यवस्था के लिए काम करते हुए, तो ये इस पीड़ा से तो हम निकल सकते हैं। जहां तक दूसरों के द्वारा जो भाव मिलने की बात है, जो एक रिकॉग्निशन या स्वीकृति मिलने की बात है, तो उसमें कठिनाई हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि हम परिवार के लिए भी जो अभी कर रहे हैं वो प्राइमरली हम सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो आप पाएंगे सुविधा कर रहे हैं, सभी बोल सकते हैं शरीर के अर्थ में ही पूरा हो रहा है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम शरीर के लिए भी ज्यादा काम वही कर रहे हैं। जी, तो चूंकि सुविधा के लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, दोनों ही सामयिक है, तो उसके लिए जो कृतज्ञता का भाव आएगा वो भी सामयिक रहता है। तो यदि हम दूसरे व्यक्ति के लिए सुविधा जुटा दे रहे हैं, उसके शरीर के लिए कुछ कर दे रहे हैं, है ना, तो उसकी जो उपलब्धि होगी, जो कृतज्ञता का भाव दूसरे में बनेगा, वो सामयिक रहेगा। अगर हम दूसरे तक संबंध में सही भाव पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके लिए जो कृतज्ञता का भाव बनेगा ज्यादा समय तक बना रहेगा। और यदि हम दूसरे में सही समझ इंश्योर कर पा रहे हैं,
तो जो कृतज्ञता का भाव होगा वो निरंतर बना रहेगा। तो हमें खुद भी देखना है कि हम चूक कहाँ कर रहे हैं। अगर हम अपने परिवार के लिए सिर्फ सुविधा और शरीर के लिए काम कर रहे हैं, भले हमने पूरी जिंदगी लगा दी है ना उसके लिए, बट हमने काम तो सामयिकता के लिए किया ना, क्षणिक के लिए किया। तो क्षणिक के लिए अगर काम किया तो उपलब्धि क्षणिक ही रहेगी, जो कृतज्ञता का भाव बनेगा क्षणिक ही होगा, नहीं बनेगा निरंतर। और कई बार ये भी होता ही है कि अगर हमारा ध्यान सुविधा पे है तो हम संबंधों में चूक करते रहते हैं। हम बच्चों को खिला तो रहे हैं, पिला तो रहे हैं, बट मार मार खिला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। हम दूसरों के लिए बहुत सारी सुविधा तो उपलब्ध करा रहे हैं, रोज खाना बना रहे हैं, परोस रहे हैं, खिला रहे हैं, बट जो व्यवहार कर रहे हैं उससे चूक हो रही है, जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे लोग आहत हो रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर दूसरों के अंदर हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं बनता, और स्वयं में भी यदि हम अतृप्त रहे तो वो जो तृप्ति एक तरह से शेयर होनी थी दूसरों के साथ, कि परिवार में बैठ कर लोगों को अच्छा लगता, हमारे साथ बैठ कर लोगों को सुख मिलता, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान समाधान के अभाव में खुद में सुख नहीं है। तो कोई हमारे साथ बैठता भी है तो हम अपनी परेशानियों को शेयर करने लगते हैं, अपना दुख बांटने लगते हैं। अब वो दूसरा व्यक्ति हमारे दुख को बांटते हुए देखकर और दुखी हो जाता है, तो उसके अंदर जो हमारे प्रति एक श्रेष्ठता की स्वीकृति बनती है वो भी नहीं बन पाती। तो हमको लौट के दिखाई देगा कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो मेरी है, जो अभ्यास एक में बात की, अभ्यास दो में बात किया, कि जो सारा निर्णय ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, चाहे शरीर के संबंध में, सुविधा के संबंध में, संबंधों के संबंध में, है ना, व्यवस्था सारा तो मैं ले रहा हूँ, तो मुझे उस पर काम करना है गंभीरता पूर्वक, अदरवाइज ये स्थिति बनी ही रहेगी। बिल्कुल मतलब एक चीज मुझे जो आपके बोलने से समझना है, एक तो खुद पे काम करना है और फिर दूसरों के साथ जो हम जी रहे हैं परिवार में, तो उसमें उनकी समझ पे पहले काम करने की जरूरत है। पोषण को जब इतना एक्सपांड करके सुबह से रात तक अपना टाइम और पूरी एनर्जी वेस्ट मतलब लगाए हैं, उसको थोड़ा असेंबल सिस्टमेटिक करने की जरूरत है, तो उसको जितनी जरूरत है उतनी बाकी समझ पे काम करे उनकी भी। जी जी देखिए उसमें भी क्या है ना, अभी माँ बाप भी बच्चों का अधिमूल्यन कर लेते हैं, तो बच्चों के लिए कहते हैं भाई ठीक है तुमको किचन में नहीं जाना है, तुमको ये काम नहीं करना है, सफाई नहीं करनी है, ऐसा करते करते हम उनकी कंडीशनिंग कर देते हैं और फिर वो सारा काम हम खुद करने लगते हैं। अब एक समय के बाद फिर हम अपने अंदर से थकने लगते हैं ना, किचन का भी काम कर रहे, सफाई का भी काम कर रहे, ये भी कर रहे हैं, और बच्चों को खुद ही हमने कंडीशनिंग किया कि तुम कुछ ना करो, फिर बच्चा अपना अधिमूल्यन करके बैठ गया है ना, राजा बेटा बन गया, कोई रानी बिटिया बन गई है, और फिर हम परेशान होते हैं उससे। सही बात है, अभी तो यही हाल है भैया जी सबसे। हाँ, और उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। जबकि जो श्रम की बात हो रही, आहार विहार श्रम, तो श्रम तो हर एक मनुष्य की आवश्यकता है, तो परिवार में बच्चे क्यों ना श्रम करें, तो सारे काम को सभी लोग करेंगे है ना, मिलके करेंगे, ऐसा नहीं। और क्या होता है अगर हम परिवार में ही इस पर भेद कर दे कि भाई किचन में काम करना, झाड़ू पोछा करना छोटा काम है, पढ़ाई लिखाई करना बड़ा काम है, ये जो हमने भेद कर दिया, फिर समाज में जाता है कि जो झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं, जो श्रम करने वाले लोग छोटे काम कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर चला रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं करा रहे हैं, वो लोग बड़े काम कर रहे हैं, ये हमने परिवार से शुरू कर दिया है, वो समाज में चला गया है, तो जिम्मेदार तो हम ही हुए। तो ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि एक ही व्यक्ति परिवार का सारा काम करे, परिवार में जितने लोग रहे ना सब अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में स्वयं भागीदार हो सकते हैं कि नहीं, कोई भोजन बना सकता है तो कोई परोस सकता है, तो कोई बर्तन धो सकता है, तो कोई किचन साफ कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर हम अपने ही द्वारा अपने लिए समस्याएं तैयार करते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत चीज मतलब इसमें मुझे एक चीज ये भी क्लियर हो रही है कि इसमें हमको खुद पे काम करने के बाद साथ में भी ये बोल रहे हैं कि जैसे हम अपने साथ अपने बच्चों पे और परिवार पे ये रूटीन में ये चीज आ जानी चाहिए कि हम सब मिलकर घर में व्यवस्था में भागीदारी करें शारीरिक श्रम में, तो ये फिर इजिली आगे चीजें जाएगी और वो जो अभी हम डिप्रेशन होता है या जो अभी जी जी देखिए अभी भी दिखाई दे रहा है वो भी कुछ हद तक मुझे लगता है सही डायरेक्शन में जा, क्योंकि जो श्रम नहीं करता है उसको श्रम की वैल्यू भी नहीं होती है, श्रम का वैल्यू भी नहीं कर पाते और खुद ही अपना शरीर खराब कर लेते हैं। ओल्ड एज में भी आप देखिए तो हम अगर श्रम करने के तत्पर है तो हमारा शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है, ज्यादा लंबा चलता है। एक समय के बाद यदि हमने सोच लिया कि भाई बाकी काम तो यंग लोगों का है इस उम्र में, तो फिर हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है।
तो बच्चों को भी हमने श्रम से बाधित कर दिया, बुजुर्गों को भी श्रम से बाधित कर दिया, तो उनका जो एक जिम्मेदारी, मतलब छोटे बच्चों में जिम्मेदारी का भाव नहीं बन पा रहा, बुजुर्ग लोगों में भी जो स्वास्थ्य के लिए श्रम की आवश्यकता वो पूरी नहीं हो पा रही, ठीक। और उसमें भी हमने अगर काम को ऐसे बांट लिया कि भाई कोई व्यक्ति सिर्फ बाहर कर रहा है, कोई व्यक्ति सिर्फ घर का कर रहा है, तो बाहर वाला बाहर का करके परेशान है, घर वाला घर के करके परेशान है, तो अल्टीमेटली पूरे परिवार में हमने दुख फैला दिया कि नहीं फैला दिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घर बाहर सभी को करना जरूरी है। जी जी बिल्कुल बढ़िया भैया जी, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत सार्थक लगा मुझे ये चीज समझना। बढ़िया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया जो मुझे करेक्टिव चैलेंज जो है अंडरस्टैंडिंग के डोमेन में और डूइंग डोमेन में लगता है, परिवार में, समाज में, ऑफिसेस में, जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इंट्रोस्पेक्ट किया है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही जो व्यक्तियों की है मेरे आसपास के वातावरण में, वो अजम्पशन बेस्ड है और उसको उससे वो राइट अंडरस्टैंडिंग जैसे जो कॉन्सेप्ट है ना उसको बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, क्योंकि प्री कंडीशनिंग ऐसी बन गई है। और अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ और डेफिनेटली जारी रखूंगा ही, तो इस बारे में भैया कुछ आप गाइड करना चाहेंगे इस चैलेंज को रिड्रेस करने के लिए और राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे इनकल्केट और डिसेमिनेट करें। अपनी कॉम्पिटेंसीज और डेफिनेटली मैं बढ़ाने का प्रयास कर ही रहा हूं, तो आप भी इसमें प्लीज कुछ। जी देखिए, वही काम तो हम सतत कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड करना, वर्कशॉप में भागीदारी करना। देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा हम अपने आप को कई बार रोक लेते हैं, यदि ये भागीदारी वाले पार्ट को लेके चलेंगे तो आपको एक आशा भी बनती है कि हाँ दूसरा व्यक्ति समझना चाहता है, समझ सकता है। तो कई बार वो चीज हमारे विचार में तो रह जाती है, परंतु जब हम भागीदारी करते हैं उसका हमको फल परिणाम भी दिखाई देता है। तो एक तो ये हम इससे निकल पाते हैं। तो कोई आप जो बात कह रहे हैं वो सिंपली इतना है कि ऑलरेडी हम वर्कशॉप कर रहे हैं, लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं, समाज के ही लोग हैं, तो समझ तो रहे ही हैं, है ना। अभी देखिए इतने सारा जो फीडबैक आ रहा है ना, या लोगों में परिमार्जन दिखाई दे रहा है, वो तो समाज के लोगों में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि दूसरा समझना नहीं चाहता, और ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे थोड़ा सा जिस तरह से आप बात को भी कई बार जब रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपने इसको एक विचार के रूप में रख लिया है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ये तो हम जो अस्तित्व है उसकी वास्तविकता पे बात कर रहे हैं। हम दूसरे के सामने अगर एक कॉन्सेप्ट करके ले जाए तो अपने विचार में कहीं बैठा लेगा, और फिर उसके बाद ऑलरेडी इतने सारे विचार, एक नया विचार उसमें डालना, वहां फंस जाता है। तो हम तो सुखपूर्वक जीने की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे। जी जी भैया, व्यक्ति सुखी होना चाहता है ना, हम सुखी होने में सहयोग कर रहे हैं, इसको कौन मना करेगा? पूछ के देखिए, आप किसे भी कहिए भाई आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं, हाँ मैं आपके सुख में भागीदार होना चाहता हूँ, आप चाहोगे कि नहीं, क्या कहेगा? हाँ ही कहेगा। अब जैसे कोई विचार रख रहा हूँ मैं, कोई सिद्धांत रख रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, अगला कहता है भैया हम ऑलरेडी बहुत व्यस्त है, है ना, 10 समस्याएं हैं। जी जी भैया, मैं लाइटर नोट में शेयर कर रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। किसी दिन किसी से बात हुई कि आपको शांति चाहिए या आराम चाहिए या कम्फर्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा जी शांति तो देखी जाएगी, पहले तो आराम होना चाहिए ताकि बॉडीली हैप्पीनेस। ये कॉन्सेप्ट गलत कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमको टाइम में, अब मैं आपसे पूछूं, आपको शांति चाहिए कि आराम चाहिए, क्या कहेंगे? शांति चाहिए भैया। आराम क्यों नहीं चाहिए? आराम भी कंसिस्टेंटली अनरेस्ट वाला नहीं चाहिए, मींस रीजनेबल आराम, जिसको ये ऑप्टिमाइजेशन की हम जो बात करते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड आराम चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, शांति चाहिए। और उसका प्रमाण सर भैया मेरा ये है कि मैं चाहे 11 बजे सो रहा हूँ या 12 बजे सो रहा हूँ, मुझे 5 बजे इसलिए आँख खुल जाती है कि मुझे जो मॉर्निंग सेशन से जितना जो लाभ हो रहा है शांति और अंडरस्टैंडिंग के रूप में, शांति तो बाई प्रोडक्ट है अंडरस्टैंडिंग का, तो वो उसका स्वतः उससे ये जाहिर हो रहा है, और उसका रेप्लीकेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग से कम्युनिटी में और सराउंडिंग्स पे नहीं हो पा रहा, उसकी पीड़ा काफी लगती है। जी जी, इससे आराम मिल रहा है कि नहीं आपको? अपने से तो आराम मिल रहा है डेफिनेटली। तो प्रश्न ही हमने ऐसा किया कि प्रश्न का अंतर ही समझ में नहीं आएगा अगले बार। शांति से भी तो आराम मिल रहा है, तो जी, इसको थोड़ा ध्यान से अपने को समझने की जरूरत है। जी जी नहीं, मीन्स मेरा संदर्भ भैया ये
आपने ठीक किया, करेक्ट, पर मेरा यहाँ पर संदर्भ शारीरिक परिप्रेक्ष्य में वो आराम शब्द का प्रयोग किया और सेल्फ के परिप्रेक्ष्य में शांति का प्रयोग किया था। बाकी आप जो कह रहे हैं ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। शारीरिक लिए भी स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वास्थ्य तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी। हम अगले सुखी होना चाहते हो कि नहीं, स्पष्ट उत्तर मिलेगा। संबंध पूर्वक जीना चाहते हो कि विरोध पूर्वक, स्पष्ट उत्तर मिलेगा। हम प्रश्न ऐसा कर रहे हैं जो एम्बिगुअस है, उत्तर कैसे मिलेगा? ठीक है भैया, बढ़िया जी, जी बढ़िया। नमस्ते भैया, नमस्ते, धन्यवाद जी, नमस्ते जी भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया मेरे को थोड़ा सा इसमें और थोड़ी सी डिटेलिंग चाहिए, और थोड़ा सा मेरे को इसमें ही जो हम कहते हैं कि कई बार कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी मुझे उसमें उलझन आ रही थी, थोड़ा सा इसमें बात जी। तो इस तरह से हम लोग माइंड को कई बार डिफाइन करते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। अल्टीमेटली वो मुद्दा मैं का है, तो जितने के प्रति आप अवेयर हैं उसको कॉन्शियस कह रहे हैं। बट कई चीजों के प्रति आप अवेयर नहीं है, बट आपके अंदर बना हुआ है, आपके गहरे गहरे संस्कार हैं जो आपके भाव तैयार कर रहे हैं, जिससे आपका विचार तैयार हो रहा है ना, उसको सबकॉन्शियस में रख देते हैं। तो कुछ तो आप विचार करके है ना, एनालाइज करके उसको करते हैं, उसको कॉन्शियस में रखते हैं, बट जो संस्कार में बैठा हुआ है उसको सब कॉन्शियस में कह देते हैं। इस प्रकार से सुपर कॉन्शियस में जो ज्ञान का आयाम है उसको रखते हैं जी। तो भैया फिर जब हम जब एक उदाहरण पीछे भैया आपने दिया था कि ऐसे ऑब्जर्व करो कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई कैमरा लगा हुआ है और कोई मुझे जो हर क्षण वो मुझे देख रहा है, इतनी तक हो गया आप अपने आप को मतलब भोग करें। तो भैया जैसे इसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरा कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होती है उसको बारीकता से देखता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे जैसे पुराने संस्कार भी और दिखने लग रही है, और जैसे फिर वो एक्टिव हो रहे। तो जब हम कॉन्शियसली एक्टिव नहीं रहते तो हमें लगता है कि वो चीज जैसे रिपीटेड तो हमारी वो सबकॉन्शियस में डीपली चला जाता है, और फिर वो लगता है कि ये जो उथल मच के आ रही है तो ये कहाँ से आ रही है, तो फिर पीछे से आ रही है। तो फिर ये लगता है कि क्या ये हमारी जो पुराने संस्कार भैया कहते हैं कि सीधा सीधा दिख जाना चाहिए वो वही है भैया, जैसे कि हम कहते हैं कि वो और डीप रूप में दिखता है कि उसको भी ठीक करना है, वो सीधा सीधा दिख जाए, साफ दिख जाना चाहिए वो हमें जी। तो देखिए अब सीधा सीधा नहीं दिख रहा तो कम से कम जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप को इस विधि से तभी दिख जाए, बट उससे फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि अंदर में कोई रोग है वो निकल के बाहर आ गया, हमको दिख गया, तो गहरे संस्कार है ना, पीड़ा है, अगर कहीं से निकल कर आ गया तो अच्छी बात है, हमने इसको देख लिया। अब उसकी हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं जिससे उससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि इस पूरे क्रम में हम अतीत की पीड़ा से मुक्त होने लगते हैं। पहले की स्थिति को देखेंगे तो अतीत की बातों को याद करके कई बार हम पीड़ा में चले जाते थे, खाली बैठे हैं, वीकेंड आ गया, खाली बैठे हैं, 4 घंटे का समय है, बैठे लेकिन पुरानी बात याद आने लगी और उसकी पीड़ा में हम दुखी हो गए। अब हम जब इस पूरी बात को देख पाते हैं, सही भाव को देख पाते हैं, या नहीं भी पूरी तरह से देख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, इंटेंशन कॉम्पिटेंस का अंतर समझ में आ रहा है, तो उस पीड़ा से निकल पाते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी समान रूप से मनुष्य अतीत की पीड़ा से या वर्तमान में जो विरोध चल रहा है उससे या जो भविष्य की चिंता है उससे दुखी परेशान रहता है, हम इन तीनों से निकल पाते हैं। और अच्छा है कि हमको बैठे बैठे पता लग गया, नहीं तो कोई घटना घटती है फिर पता लगता हमको हमारे गहरे संस्कारों का, गहरी पीड़ा का। इससे अच्छी बात है कि बैठे बैठे हमको दिख गया, तो और अच्छी बात है। इनफैक्ट ये सब आपको दिखाई देगा कि जितना ज्ञान का काम है ये तो बहुत सहज रूप से होने लगता है, हम बैठे बैठे समृद्ध हो गए है ना, बैठे बैठे हमको शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव बन गया, वैसे बैठे बैठे हम अतीत की पीड़ा से मुक्त भी हो सकते हैं। वो निकल कर आया सामने, बट हमको दिखता है कि इंटेंशन साउंड था, जितना उसका विकास हुआ था उतने हिसाब से आचरण किया, किसी ने अगर हमारे साथ गलत व्यवहार भी किया, गलत आचरण भी किया, तो उसकी समझ की कमी थी। जी यह हुआ क्लियर मेरा। और भैया इसमें जैसे फिर एक समृद्धि का भाव बनता है, और जब समृद्धि का भाव बनता है फिर हमें ये दिखता है कि भाई जितना उत्पादन मैंने मतलब मेरे अंदर मैं कर पा रहा हूँ
तो मुझे ये लगता है कि मेरे लिए कितना चाहिए, परिवार के लिए कितना चाहिए, और फिर एक जैसे अब तक सुनते आए हम कि व्यवस्था एक परिवार तक ना रह जाए, एक रिश्तेदारी तक ना रह जाए, क्योंकि रिश्तेदारी भी एक लिमिट तक जाते हैं तो फिर वहां भी खिंचातानी शुरू होती है, कंपटीशन, कंपैरिजन, सब चीजें दिखने लगता है, तो फिर लगता है कि यहाँ से भी निकल के बड़े में जाके देखो कुछ और भी बेटर मिलेगा क्या, जिसमें हमारी उन्नति भी हो और सबकी भी उन्नति हो, और जो सबके लिए वो सब समान और सब समय, जैसे आप समझाते हैं उसको, कि और वो हर क्षण होती रहे। तो भैया जब जी रख लीजिए, हाँ भैया, वो समृद्धि का भाव दिखने लगता है और वो जब हमें क्लैरिटी उसकी हो जाती है, तब तो हमें लगता है कि इतने लिमिट तक मैंने कर लिया और मुझे इतनी ही पोषण की जरूरत है, और इसमें मैं अब मेरे पास इतना समय बच रहा है तो इसमें मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, तो भैया जब मृत्यु दिखता है मुझे इसमें हाँ ठीक बात है, तो एक अच्छी आशा बनी है ना इस पूरी चीज को देखते हुए, तो बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम बारीकी से इन सब को ऑब्जर्व कर लाए, शरीर को एक साधन के रूप में ऑब्जर्व कर पाए, तो सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो जाएगी, स्वास्थ्य के लिए स्पष्टता बन जाएगी। वैसे अगर हम संबंधों पे चिंतन के लिए प्रयास करें भाव को सजग होते हुए, तो जो भी संबंधों को लेकर कठिनाइयां रही हैं या हो सकती हैं उन सब से हम निकलने लगते हैं, तो ठीक बात है। भैया पहले भैया मैं यहाँ थोड़ा सा फंस रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं भैया बोलते थे नहीं उसमें भागीदारी करना है, रिश्तेदारी में भी, संबंधियों में भी, फिर मैं कहती हूँ मैं यहाँ तो फंसती हूँ, फिर ऐसे ऐसे देखती हूँ, तो अब मेरा भैया इसमें उसको क्लियर कर ले, लेकिन रिश्तेदारी जाएंगे, हमें व्यवस्था में भागीदारी करनी है। अगर अभी संबंध जो पुराने हैं, रिश्ते जो बना लिए हैं, वो अगर मान्यताओं के आधार बना लिए हैं, तो उसमें फिर जाकर क्यों उलझेंगे। हम पहले उनका ठीक से मूल्यांकन करेंगे, अगले तक सही प्रस्ताव पहुँचाने के लिए अवसर बनाएंगे और समग्र व्यवस्था भागीदारी करेंगे। ये शब्द है ना महत्वपूर्ण है, कि कई बार हम जब संबंध को भी निर्वाह करने जा रहे हैं हमको लगता है कि संबंध में तो भाई ये बातें ठीक है, बट समझ के आधार पर निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, वैसे व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं तो क्या कुंबे में ही कर रहे हैं या समग्र व्यवस्था को देखते हुए कर रहे हैं कि नहीं। जी भैया बढ़िया दीदी। हेलो, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते। भैया ये एक ये प्रश्न था कि जो हमारा जो आप जो अभ्यास सत्र जब शुरू करवाते हैं तो उसमें ये है कि निर्णय को बनाए रखें, मतलब अपने आप को देखने का, तो उससे रिगार्डिंग हम ये पूछना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी जो कर रहे हैं तो वो तो हमारा फिर निर्णय ही ना है। मान लीजिए कि हमें पहले कुछ लग रहा था जो वो चीज सही नहीं है, अब हमें लग रहा है कि नहीं ये चीज सही है, जैसे मान लीजिए कुछ और चीज को देखने, तो पहले जो था वो भी निर्णय था, अभी जो कर रहे हैं वो भी निर्णय है जी। तो भैया जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे एक छोटा सा उदाहरण से हम आपसे पूछ रहे, अभी मान लीजिए जैसे मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि चाय जो है मेरे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसको जो हम लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत है, ये पेय सही नहीं है, तो यदि हम उसको हठ पूर्वक निर्णय बनाए रखेंगे कि नहीं मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे गिलोय ही मॉर्निंग में पीना है, तो फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? वही तो हमने समझा नहीं, हमने बस एक निर्णय को लिया और किसी मानने के आधार पर लिया, क्योंकि लोग कह रहे हैं चाय गलत है इसे नहीं पीना है, बट यदि समझ के साथ चलेंगे तो चाय को भी हम समझेंगे, चाय है क्या, है ना, गिलोय है क्या, इसको भी समझेंगे। जब चाय पी रहे आप तो आप पाएंगे कुछ चीजें हो सके जो नुकसान कर रही हैं, कुछ चीजें हो सके जो लाभ कर रही है, शरीर को फायदा कर रही है, तो चाय में दूध भी है ना, पानी भी है, वो शरीर को हो सकता है पोषण दे रहा है, चाय पत्ती है हो सकता है नुकसान कर रहा है, बट वो सब भी ओपन रखे, अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही है। नहीं नहीं कभी कभी होता है भैया कि किसी भी चीज के बारे में पूरी सूचना होने के बाद भी हमारा वो छूटता नहीं है, तो ये क्या, अभी शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं है ना, अभी संवेदनाओं से सुखी होने में लगे हुए हैं, तो नहीं छूटता है। और मुद्दा छूटने का भी नहीं है, मुद्दा सही वस्तु के प्रयोग होने का है। अगर हम छोड़ने को केंद्र में रखेंगे तो फिर कुछ उल्टा सीधा पकड़ लेंगे, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। हमको शरीर के प्रति कैसे जिम्मेदार होना है, शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में, ये तय होना है। तो जो पोषण के अर्थ में इसको छोड़ना है ये मुद्दा नहीं है, जो पोषण के अर्थ में है उसका सदुपयोग करना है ये मुद्दा है जी। ऐसे ही बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, हम बहुत सारा
अनर्गल चीज अनर्गल काम करते रहते तो उसको जी, भी उसी जी, उसमें क्या है ना, ये जो शरीर को साधन के रूप में नहीं देख पाते हैं तो ये सब बना रहेगा। शरीर को साधन के रूप में कैसे देखें इस पे काम करने की जरूरत है। जो अभ्यास दो में हम लोग बातें कह रहे हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप करते चले तो शरीर को साधन के रूप में देख पाएंगे, नहीं तो अपने आप को शरीर मान के जिएंगे तो संवेदनाओं सुखी होने के लिए सब उपक्रम बना रहेगा, उसकी समस्याएं लगी रहेंगी। और भैया ये और उसी हिसाब से हम जीवन के लिए भी यदि देखें तो मान लीजिए दूसरे के ऊपर किसी के ऊपर यदि किसी खास, मैंने इस बात की चर्चा कई बार की है, किसी खास व्यक्ति के ऊपर यदि अनुकूल भाव को लेकर ही डिपेंडेंसी है, यदि हम उसको हट पूर्वक निर्णय ले लेंगे जो नहीं मुझे उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो फिर तो ये चीज होगा, वो तो उसको जब तक अपने में नहीं दिखेगा कि कोई भी जो है सो किसी का सही व्यवहार कार्य मेरा या किसी और व्यक्ति का उसकी योग्यता पर नहीं, नहीं ऐसे ही भाव को लेकर के मुझे डिपेंडेंसी है आप पर जो भैया मेरा सही मूल्यांकन करे, मुझे मेरे लिए सही भाव वो करे, तो ये भी यदि हट पूर्वक हम निर्णय ले लेंगे जो मुझे भैया से नहीं वो उस पर डिपेंडेंसी रखना है तो नहीं हो पाएगा, उसको तो अपने में जांच परख करना होगा। धीरे धीरे जब वो दिखेगा कि कोई योग्यता अपने योग्यता के साथ प्रस्तुत होता है, इंटेंशन उसका सही है, तभी तो वो हो पाएगा ना रिजॉल्व। जी जी जी। अब मान लीजिए भैया ये सब बातें आप खुद से भी तय कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी जितनी बात हो रही है ना उसको हम पहले ऑब्जर्व करें अपने आप पे, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि हर बात को हमको एक्सप्रेस करना है। आप जितनी बातें हो इसको ध्यान से सुने और उसको ऑब्जर्व करें। जैसे मैं और श्रीकांत कुछ जगह अटक जाते हैं तो इसलिए अब जैसे भैया एक चीज और पूछना है, क्योंकि हम सही वे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये मेरे पे आत्मविश्वास अभी नहीं है उतना। जैसे मान लीजिए यदि हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, ये जो हम हर बार अपने आप को उलट पुलट के देखते हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये फिर क्या हुआ, फिर आत्मिक स्तर की बात हो गई। इसके स्थान पर सही क्या है उस पर ध्यान देना है। अगर हम सही पे ध्यान देंगे तो सही जाएंगे ही, या आश्वस्ति बनती है। तो हम कुछ कर रहे हैं एक्सप्रेशन में, हम उसको मूल्यांकन कर रहे हैं सही किया कि नहीं किया। अब इस भाव से हम अपने अंदर शंकाग्रस्त रहेंगे हमेशा जी। तो कई बार क्या होता है जो आपके प्रश्न आते हैं कि एक्सप्रेशन वाले पार्ट को देखकर हम अपने आप को मतलब मूल्यांकित करने का प्रयास कर रहे हैं और अगले से हम उसका एश्योरेंस चाह रहे हैं कि अगला व्यक्ति बताए कि हम सही जी रहे कि नहीं। इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम सही पे ध्यान दें तो हम स्वयं में सही का निर्णय कर पाएंगे और अपने आप में मूल्यांकन भी कर पाएंगे। हाँ जी जी भैया ये चीज हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें। जी जी जी। प्रॉस्पेरिटी की बात करें समृद्धि के भाव की, तो सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो जाए, उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव हो जाए, तो इसमें जो मुख्य मुद्दा है सुविधा की आवश्यकता की पहचान है। ये बात हमने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी की थी, ये P2 में भी किए हैं, यहाँ भी कर रहे हैं और इसको आगे भी करने की आवश्यकता हो सकती है। बट अब क्या हो रहा है उसमें बारीकी आती जा रही है। तो ये जितना जितना मैं अपने आप को शरीर से भिन्न देख पाता हूँ उतना उतना मेरे अंदर संयम का भाव पुष्ट होता है, और जितना जितना संयम का भाव पुष्ट होता है उतना शरीर के लिए आवश्यक सुविधा की पहचान हमारे लिए सरल सहज हो जाती है। तो प्रॉस्पेरिटी को अपने आप में इम्पोज करने की बात नहीं है कि हम अपने आप को प्रॉस्पेरस माने या हम कह पाए कि मैं प्रॉस्पेरस हूँ, नहीं। इनफैक्ट सहज भाव है, जब मुझे शरीर साधन के रूप में दिखाई देता है तो मैं इस साधन का जो भी इसलिए सुविधा व्यवस्था करनी होता कर लेते हैं, और जब मुझे सुख का स्रोत दिखाई देता है इससे संवेदना लेकर सुखी होने का प्रयास भी नहीं करते तो समृद्धि है ना स्वतः सुनिश्चित होने लगती है। अभी पहले किसी घर जाते थे और उसकी सुविधाओं को देखकर हम प्रभावित होते थे, अब आप पाएंगे कि है ना प्रभावित भी नहीं होते और हमको लगता है व्यर्थ में व्यक्ति अपना सारा समय इसमें लगा दिया, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो जहां हम पहले प्रभावित होते हम दूसरे का मूल्यांकन कर पाते हैं, दूसरे को गाइड भी कर पाते हैं, तो बताओ इतना सारा तुमने मेहनत किया, अब मकान में संगमरमर क्यों लगाया भाई, संगमरमर का टाइल्स क्यों लगा दिए, जरूरत थी क्या, इतना महंगा तुमने फर्नीचर क्यों खरीद लिया, इतनी महंगी गाड़ी क्यों खरीद ली, ये जहां बैठे हैं ड्राइंग रूम में अपने ऊपर इतना बड़ा झालर क्यों लगा लिया, इसकी आवश्यकता है क्या। तो जहां हम पहले दूसरे के घर को देखकर मेस्मराइज होते थे, प्रभावित होते थे, हमारे अंदर इच्छा बनती थी काश मेरा भी ऐसा घर होता, ऐसा कपड़ा होता, ऐसी गाड़ी होती, उसके बजाय हमको लगता है कि व्यर्थ में अपना समय गंवा रहा है व्यक्ति, जो सार्थक काम है वो कर नहीं पा रहा, तो उनसे निकल पाते हैं। तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान होना और उससे अधिक की उपलब्धि का भाव होना। तो एक समृद्ध व्यक्ति सदुपयोग का दूसरे का पोषण करने का सोचता है, एक दरिद्र व्यक्ति संग्रह का शोषण करने की सोचता है। ये भी एक पहचान है कि जब हम समृद्ध महसूस करते हैं तो हम पोषण करने की सोचते हैं, दूसरों का सदुपयोग करने की सोचते हैं। दरिद्र होते हैं तो हमको लगता है हमारे पास कम है तो क्या करेंगे, दूसरे के छीन के लाना पड़ेगा,
है ना, चाहे छल से छीने या बल से छीने, तो हम दूसरे का शोषण करने की सोचते हैं जी। इसको लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। बहुत ही अच्छा चर्चा चल रहा है। हर एक क्षण सजग रखने का रिजल्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ, एक डाउट भी है। अब तो अंडरस्टैंडिंग तो अभी तो चर्चा चल रही है, बॉडी का नर्चर करना, प्रोटेक्ट करना एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर, यही तक तो समझ में आ रहा है। जब भी मैं फीलिंग को ऑब्जर्व कर लेती हूँ इसके ऊपर ही ध्यान जाता है। आपने पिछले किन्हीं सेशनों से आप बता रहे थे कि फर्नीचर को देखो, सी द फर्नीचर यू आर कटिंग द ट्रीज, हाउ टू प्लांट द ट्रीज, इसके बारे में सो मेनी थिंग्स आई एम यूजिंग इन माई किचन, इन माई हाउस, इन माई थिंग, देर इज नो वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द थिंग्स, तो इसके ऊपर ध्यान जाता है, तो कैसे समाधान पा लेते हो? जी मान लीजिए हमने धरती के अंदर से लोहा निकाला, उसका स्टील बनाया, ठीक है, अब स्टील के बर्तन बनाए, ठीक है ना, तो आप देखिए धरती में जितना लोहा है और जितना हम स्टील का बर्तन यूज करते हैं उसकी मात्रा तो बहुत कम है स्टील के बर्तनों की, तो उतना प्रयोग कर वापस वो टूट फूट कर धरती में जाएगा ही जाएगा। प्रॉब्लम तब है जब हम को लगता है कि पूरे किचन ही स्टील का बना दे, है ना, सब समस्या है। अदरवाइज ये जो पदार्थ अवस्था से जो हम पदार्थ ले रहे हैं उसको रिप्लेनिश करने की जरूरत नहीं है, वो धरती में ही रहेगा, कहाँ जाएगा, उसको बस सीमित मात्रा में प्रयोग करने की जरूरत है, ऑलरेडी बहुत है ना, सीमित मात्रा में प्रयोग करने की जरूरत है, तो उतने पे हम ध्यान देंगे, उसके लिए काम करेंगे अभी, मगर नहीं कर रहे इसलिए देखिए तो स्टील का इतना कंजम्पशन हो गया है कि लोहे की कमी होने वाली है, कोयले की तो हो ही गई है, लोहे की भी कमी होने वाली है। एक समय बताते हैं कि 2009-10 में गाड़ियों का उत्पादन रोक दिया गया था क्योंकि पूरे मार्केट में स्टील की कमी हो गई थी। इतना ज्यादा हमने गाड़ियां क्यों बना ली हैं, इतने ज्यादा हम बिल्डिंग हाई राइज बना रहे हैं, टावर्स बना रहे हैं, ठीक, उसमें इतना सारा स्टील का खपत हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम, इन सब पे तो ध्यान देंगे। अगर मैं होलिस्टिक लिविंग मॉडल पे जाए तो ये शहरों में जो इतना सारा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पॉपुलेशन का, उसकी जरूरत नहीं है। Yes. अब ये जो सेंट्रलाइजेशन का बहुत सारी समस्या आर्टिफिशियल हमने बना ली है, एक तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन करना पड़ रहा है मटेरियल का, ठीक, और फिर इतने सारे लोग वहां पे रह रहे हैं तो बहुत सारा वेस्ट क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन या वेस्ट मटेरियल, अब उसका डिस्पोजल का इशू है, तो नदी नाला बन जाता है ना, कचड़े का पहाड़ बन जाता है तो एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, नदी को नाला बना दिया, जहाँ समतल भूमि थी वहां कचरे का पहाड़ बना दिया, पूरी धरती के अंदर से लोहा निकाल कर लंबे लंबे टावर बना दिए कि नहीं, तो ये सब हम करते जा रहे हैं। When I see at the things which are there in my house, there are so many things neither I am using nor they are destined to be thrown. So इसके चीज को ये बाहर रख लेती हूँ, ये तो लिटरिंग हो गया है बाहर का, कोई किसी को दे हूं, वो देना चाहती हूँ वो टेकर्स नहीं, ऐसा वो क्या है थॉट प्रोसेस उसी तरफ जाता है। तो ये स्टील का तो एक एग्जांपल है, सो मेनी सेकरन हो चुके हैं बिकॉज आई एम इन द एंसेस्ट्रल हाउस, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो दे आर स्टैक्ड इन द दिस थिंग शेल्व्स, देखिए अभी जहाँ जहाँ भी वैल्यू एजुकेशन के काम हो रहे हैं ना, वहाँ आप जाइए और उन सब चीजों को उपलब्ध करा दीजिए, तो वहाँ भी कहीं पे बहुत सारे सेंटर्स बनेंगे जहाँ पे लोग वर्कशॉप करेंगे, है ना, वहाँ आप इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए सदुपयोग के अवसर तो बने हुए हैं और ऐसे भी बहुत सारे सुविधा विहीन लोग हैं समाज में कि नहीं, उनको जाके हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसी इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा भैया, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ थोड़ा प्रोग्रेस कर रही हूँ,
प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स राइट अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा रिफ्लेक्शन है या डाउट्स तो बहुत सारा है. ठीक है, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे आपके पार्टिसिपेशन को लेकर, है ना, कि अभी आप उनकी एक्टिविटी से पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि क्या होता है फिर वो थॉट लेवल पे रह जाता है ना. तो आप कई मतलब मॉर्निंग सेशन भी आप काफी लंबे समय से कर रही हैं, बट मुझे लगता है कि जो एक पार्टिसिपेशन इतना नहीं हो रहा है. हाँ, वो चूंकि पार्टिसिपेशन नहीं है ना, इसलिए गति नहीं बन पा रही है. आपसे अलग से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर. वो क्या दिक्कत है मुझे ही समझ में आता है, तो शेयर नहीं कर सकते. ठीक है ठीक है, इससे बात करेंगे दीदी जी. थैंक यू. प्रॉस्पेरिटी का जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं भैया, तो उसमें ये लगने लगता है कि जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है वो दरिद्र है. सही है. एक मिनट. वैसे मतलब जो डेफिनेशन भी पढ़ा, इसीलिए पट से रेज किया कि समाज में या कहीं भी आप जाओ, किधर भी आप जाएंगे, तो वहां क्या पूछते हैं, बैंक बैलेंस कितना है. हम लड़की की शादी करने जाते तो भी पूछते, फिर हम दरिद्र का कैसे, क्यों उसे दरिद्र बोलते हैं जी? दरिद्र मतलब जिसके पास बैलेंस है वो दरिद्री कैसा हुआ? नहीं नहीं, तो हम अभी कहां कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सुविधा संपन्न हो तो ठीक है, सुखी भी हो समृद्ध भी हो. हाँ जी, हम नहीं कह रहे बैंक बैलेंस दरिद्री है, वो भी हम बिल्कुल एक ऐसा नाम नियम बना दे, है ना, हम सब कहीं ना कहीं सेव करके तो रखते हैं बुढ़ापे के लिए भी, तो ऐसा नहीं कि जिसके पास बैंक बैलेंस दरिद्र. बिल्कुल बिल्कुल वही मेरा पॉइंट है. लेकिन हो जाएगा, देखिए हमने सुविधा की आवश्यकता को पहचाना है कि नहीं, ये मुख्य मुद्दा है. जी जी भैया जी जी जी. नहीं, मेरा एक लाइटर मूड में ही था कि हम हर आदमी बुढ़ापे के लिए बचा के रखता है, बराबर है, संग्रह संचय सब हर आदमी करता है, फिर भी ये प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन में जो लिखा है एक्यूमुलेशन संचय जो है मींस दरिद्रता, ऐसा वर्ड है उसके ऊपर. संचय अलग है, एक्यूमुलेशन अलग है, संग्रह अलग है, संचय अलग है. तो सदुपयोग के अर्थ में कह रहे हैं तो संचय है, जैसे हमने सुबह नाश्ता सुबह खाना बनाया, ठीक है ना, और उसको रख लिया ना कि लंच भी उसी से कर लेंगे, ये संचय है. संग्रह अच्छा. है कि दो रोटी की भूख है और आठ रोटी बना के रख लिया, तब संग्रह है. अच्छा, राइट राइट, मतलब थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा बचा के रख रहे तो इट्स ओके, इट इज नॉट डिप्रेशन. थोड़ा और ज्यादा का मुद्दा नहीं है, आवश्यकता की पहचान का मुद्दा है. आवश्यकता की पहचान, जितनी आवश्यकता उतना ही तो रखेंगे, और क्यों रखेंगे, और रख रहे यानी कोई भय है हमारे अंदर, तभी तो उतना और बचा के रख रहे हैं. जी 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 जी, बढ़िया भैया, बढ़िया भैया, बस एक पॉइंट निकला इसलिए. धन्यवाद भैया जी. भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को. बढ़िया बढ़िया. तो भैया समय हो चला है, आज हम लोग इस पे ही रोक लेते हैं. तो संयम के भाव को, समृद्धि के भाव को अपने अंदर ठीक से ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग आगे ऑब्जर्व करें. इससे और भी जो प्रश्न बनते हैं उसको हम चर्चा कर सकते हैं.